तीन कानूनों नूं रद्द करवाउण लई किसान पिछले डेढ़ साल तों संघर्ष कर रहे सन अते पिछले एक साल तों तिन्ने काले कानूनों नूं रद्द करवाउण लई किसान दिल्ली दीआं बॉर्डरां ते बैठे सन। इह कानून रद्द होणा किसानां दी इक वड्डी जित है। इस जंग नूं फतेह करके भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर दे अणथक ते मेहनती जरनल ते संयुक्त किसान मोर्चे दे विच मुख भूमिका निभाउण वाले अते अपने बड़े अहम रोल निभा के इन्हां कानूनां नूं रद्द करवाउण वाले जगजीत सिंह ਟੱਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTO ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। देखो जिस वेले अंदोलन कदे भी शुरू हुंदा हुंदा ना अंदोलन हमेशा इस उम्मीद नाल शुरू हुंदा हुंदा है कि असी क्योंकि किसी तकलीफ चो हुंदा है उहदे च एक वड्डी गल हुंदी है कि इहनूं असी जितना है। लेकिन यह जिहड़ा अंदोलन सी ना अंदोलन अजीब किस्म दा सीगा। इह च सानूं क्लीयर सीगा कि जे असी अंदोलन हार गए साडा आउण वाला मतलब बच्चों का फ्यूचर है वह बहुत खतरे च जाएगा। इत्थे तां साडी इह मन्निया वा सीगा ते मथिया वा सीगा भी सानू मरना भी भावें पवे असीं आपदे बच्चों की जिंदगी खतरे च नहीं जान देंगे और ये जित के मुड़ांगे। और अज वो उन्ना समा लंघन तक सानू बड़िया तकलीफों का सामना करना पिया। एक समा ऐसा आता हों अंदोलन करने वास्ते जो अंदोलन सदाधारी धरता पोलीटिकली नुकसान करता है ना जी उदो अंदोलन बड़ा खतरनाक रूप च होंदा। सारे बंदे नूं नहीं पता होंदा कि अज अंदोलन किहड़े पड़ाव च है। जिस वेले BJP का अंदरूनी नुकसान होना शुरू होया पोलीटिकली नुकसान होना शुरू होया तो BJP ने दाव वरतने शुरू किए। उन्हां दावों तो असी बच के जिहड़ा अंदोलन लै गए ना कढ़ के एक बड़ी वड्डी गल सी। और अज उन्हां सारे दावों के विच दी अंदोलन खिच के और जिहड़ा एक गल तो सामने आ गई ना जिहड़ा कहिंदे सीगे कुछ बंदे कि भी अंदोलन शांति नाल कुछ नहीं हुंदा। एक तो उन्हां वीरां नूं समझ आ गई साडे यूथ नूं जरूर समझ आ गई इस गल की कि अंदोलन एक नवीं लीह बना गया कि शांति नाल अंदोलन लड़ोगे तो संपूर्ण जित होएगी अगर तुसीं शांति का रास्ता छड गए तो पूरी तरह हारोंगे। ये गल सामने आ गई लोगों के और जिड्डी बड़ी जित इस हुई है। जित नूं मैं जे कहां ये जरूर है कि असी तानाशाह साडे कोलों खोण लगा सीगा तां उहनूं असी पिछा हटाया वह साडी जित है। और ये नहीं है असी इस अंदोलन चो बहुत सारा कुछ प्राप्त कर लिया होवे वो हजे बाकी है वो लड़ाई हजे लड़ांगे। एकता बन गई है पंजाब हरियाणा की एकता बन गई है पूरे देश की एकता बन गई है। इस एकता चो अगली लड़ाई शुरू होगी। मेरा एक सुभाव बना के रखा सी मैं एक नियम पाल के रखा सीगा कि मेरे वास्ते अंदोलन वड्डा है मेरे वास्ते मोर्चा वड्डा है। तुसीं देखिया होएगा किसी भी आगू ने गलती की है उन्हूं मैं जाके कवर करने की कोशिश की है। किसी थां ते कुछ भी होया हर वक्त मैं कवर करने की कोशिश की। एक हालात में यह जहाँ आ गया कि साढ़े चार आदमियों फोटो किसी आदमी को चलिया गई भी ये चार आदमी किसी भी वेले गोली ना शूट किए जा सकते जिद मेरी फोटो भी सी। हुण उन्हां हालातों के आम बंदा अंदर वड़ जांदा है लेकिन मैं रात को 12-12 बजे तक भी लोगों के विचरिया तो 12 बजे 11 बजे असी फड़िया जिहड़ा ये हरकत कर रहा खुद असी आप फड़िया हो जाके। सो असी लोगों के उन्हां सारे हालातों को लैके कवर करने की कोशिश दे सीगे कि किसी तरह की गल नहीं होनी चाहिए। जिथे जाके बोलना पिया उत्थे फिर नहीं रहा गया उत्थे बोलना भी पिया कि भई ये काम तो नहीं असीं करन देंगे ये नहीं चलन देंगे अंदोलन लड़ना है असी कोई इत्थे सौदेबाजी करनी है असी आपदे बच्चों की जिंदगी की लड़ाई लड़न वास्ते आए हैं जिंदगी मौत की बाजी ला रहे हैं। उन्हां को बोलिया जिहड़ा मेथों गया वो कई हो सकता रड़क गया होवे लेकिन मैं आपदे मोर्चे अंदोलन सही दिशा वल जाण वास्ते बोलिया जे मोर्चे नूं लोड़ है कि चुप रहण दी तां मैं चुप रहा। ਟੱਲੇਵਾਲਾ दी 380 दिनां दी कोई अपुल याद सत्य अकाल रहिंदी दुनिया तक जो तुहाडी जिन्ने तक साह चलदे उदों तक चेते रहूगी। देखो एक नहीं मैं तां इह कहूंगा भी एक इह साल दे विच इक फिल्म है पूरी दी पूरी जे अपुल यादां दी गल करिए तां 26 जनवरी नूं कोई नहीं भुल सकदा। पथराव होया सब तो तकड़ी समझ वाली उस गल रमाणा जी ये है कि हरियाणा सानू छड़ के तुर गया UP सानू छड़ के तुर गया ये कहता कि तुसी खालिस्तानी हो
हुण आ गल नूं समझण वाली गल वड्डी है कि जिहड़ा बंदे दे माइंड सैट हो जाए ना कि तुसीं खालिस्तानी हो उहनूं ठीक करना बहुत औखा है, बड़ा टाइम लगता है उहदे दिमाग दे विच उह गल कढ़न ते। पर इत्थे पता नहीं किहने उह कढ़ी 28 तरीक नूं ते 29 तरीक नूं ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਆਗੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ 3 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 3 ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਯੂ ਟੀ ਓ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਡਬਲ ਯੂ ਟੀ ਓ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਚਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਏਅਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗਈ, ਸਾਡਾ LIC ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੱਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਲੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।